सोशल मीडिया 80% रोल प्ले कर रहा है आपके प्रोफेशन के अंदर, अगर आप मुझसे पूछे तो. हाँ जी, मेहनत सब कर रहे हैं लेकिन साथ में सोशल मीडिया के थ्रू जो अवेयरनेस क्रिएट हो रही है, हाँ जी, पैन इंडिया पैन वर्ल्ड, ऐसा नहीं कि आप इंडिया में बैठ के सिर्फ इंडिया के लोगों को दिखा पा रहे हो, आप पूरी दुनिया को दिखा पा रहे हो कि आर्ट, कोई सा भी आर्ट फॉर्म, जैसे मैंने कहा चाहे आर्टिस्ट हो, सिंगर हो, चाहे डांसर हो, तो एवरीवन इज गेटिंग अ ह्यूज प्लेटफॉर्म थ्रू द सोशल मीडिया. इट्स जस्ट दैट दिस लैक ऑफ अवेयरनेस, और सब लोग अलग अलग तरीके से करते हैं. अगर आप सही से सोशल मीडिया यूज करोगे तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कहीं नहीं हो सकता. राइट. यानी आपकी, आपने जो पहली पेंटिंग बनाई थी वो कब बनाई थी और कौन सी थी आपकी पहली पेंटिंग? पहली पेंटिंग में 2000 नहीं, एक्चुअली 7 साल का था. अच्छा. तब मेरे को पेंसिल स्केच का बहुत शौक था. ओके. तो उसमें पोर्ट्रेट मैंने मेरी मदर का बनाया था. तो और पेंसिल में आप अपनी इंडस्ट्री में अपने को अपडेट रखने के लिए किसको फॉलो? मैंने मेरे फादर को देखा है और ही इज ऑलवेज बीन एन इंस्पिरेशन. पोस्ट में मैंने देखा था कि आपके डैड भी पोस्ट में उसको पेंट कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, आज भी करते हैं. देखा जाए तो अलग 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 कलाओं में आपके बहुत सारी पेंटिंग्स हैं. मैंने आपकी कुछ पेंटिंग सचिन तेंदुलकर जी की देखी, विराट कोहली की देखी, नरेंद्र मोदी साहब की देखी. जब मैं प्रधानमंत्री से मिला था इस बात को हम लोगों ने डिस्कस किया थोरली, मुझे बोलने का मौका मिला, उनने मेरी बात सुनी. नॉर्मल में एक पेंटिंग बनने में शायद कोई 10 दिन में तैयार कर देता है, हम एक पेंटिंग बनने में शायद कभी महीने, कभी दो, कभी 3 महीने भी लग जाते हैं. एक पेंटिंग मैंने आपकी देखी थी, वो सिद्धिविनायक की पेंटिंग है. और यानी हालांकि बहुत अच्छी पेंटिंग, 4D सिद्धिविनायक पेंटिंग एवर डन. 2014 में एक शो किया था जिसका रानी मुखर्जी ने गार्डन किया था. इसमें देखा जाए तो एक अपनी सजीवता है, एक रियलिस्टिक है, रियल इमेज लगती है, कभी नहीं लगता कि हाथ से बनाई हुई है. गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभालना मुश्किल हो गया. हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश मिश्रा सोशल युग के नए सीरीज में आपका स्वागत करता हूं. आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो कोई कला के क्षेत्र में जिन्होंने अपना बहुत नाम किया, जिन्होंने कला के सजीवता को बहुत ही सहज तरीके से हम लोगों तक लाए, जिनके देखा जाए तो बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक सभी उनके फैंस हैं, सभी उनके फॉलोअर्स हैं. और देखा जाए तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने टैलेंट को के माध्यम से भारत गौरव, राजस्थान गौरव जैसे बहुत सारे पुरस्कार को प्राप्त किए हैं. बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए आज हम अपने मेहमान का स्वागत करते हैं. हमारे साथ है सुविज्ञ शर्मा जी. साथ है सुविज्ञ शर्मा जी. शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में. आपने अपना अमूल्य समय दिया और ये हमारे सौभाग्य की बात है आपने हमारे शो में आए. मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच सर. शर्मा जी, मैं चाहूंगा आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं. सो मैं जयपुर से ही हूँ. आई एम एन आर्टिस्ट, मिनिएचर पेंटिंग आर्टिस्ट. और हमारा परिवार इस क्षेत्र में पिछले 70 साल से है. लगभग 70 साल से है कि इस आर्ट को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं जितना हमारे लेवल पे. लगभग 70 साल. हाँ जी. ओके. सो इट्स अ फैमिली इंडस्ट्री लाइक दैट. ओके. इट्स बिकम अ इंडस्ट्री नाउ. ग्रेट. हाँ जी. बहुत अच्छी बात है कि जयपुर से ऐसे शहर में रह रहे हैं और जयपुर में हम लोग भी कहीं ना कहीं पल बढ़ रहे हैं हमारे अपने बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में. देखा जाए तो जयपुर का बहुत बड़ा योगदान है और आप यहाँ से आए तो हम लोगों के लिए गौरव की बात है. सर, हम जानना चाहेंगे ये स्किल आपके अंदर डेवलप कैसे हुई. आप कहा जाए कि आपके, जैसे कह रहे हैं कि भाई आपकी फैमिली, आपके फादर, यानी फादर्स, हाँ जी, फॉर फादर्स सब लगे हुए हैं, लेकिन आपके अंदर ये स्किल कैसे डेवलप हुई? मैं जैसे पला बड़ा हुआ, हमेशा मैंने बचपन से देखा ही इस आर्ट फॉर्म को, बहुत करीब से देखा है. और हम बचपन में जैसे कुछ यादें होती हैं तो जैसे वरांडे में बैठ के खुद खड़िया घोटते थे, कलर्स बनाते थे. ओके. वेजिटेबल डाइज, नेचुरल पिगमेंट सब खुद बना के कलर्स उनसे वी यूज्ड टू मेक. तो वो सब चीज़ें आगे बढ़ते बढ़ते इंटरेस्ट और डेवलप हुआ
और रुझान हुआ, फिर बाद में एक्सीडेंटली काम, यू मेट पीपल, लोगों से बहुत, मैं, मेरा सौभाग्य है कि मैं इतने लोगों से मिल पाया एट माई एज, एम 36 राइट नाउ. और जैसे जैसे इन लोगों से मिलना हुआ, इनको मेरा काम पसंद आया. और मैं खुद दिल से काम करता हूँ और ये काम दिल से लोगों को कनेक्ट होता है. बहुत बढ़िया. और इसी डायरेक्शन में अपने आप चीजें जुड़ती गई और ये आर्ट फॉर्म बड़ा होता गया. नहीं, बहुत बढ़िया. दिल से करना, कहते हैं सक्सेस के लिए दिल से काम करना बहुत जरूरी होता है. और जहाँ पर देखा जाए तो इन सारी चीज़ों के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है, बहुत सारे थॉट्स होते हैं, बहुत सारे ट्रेंड्स होते हैं. सो इन सारी चीज़ों को जैसे जैसे कहा जाता है ना, सोच में आती हैं, स्वभाव में आती हैं. तो मेरा एक सवाल है कि आप अपनी इंडस्ट्री में अपने को अपडेट रखने के लिए किसको फॉलो करते हैं आप? यानी कुछ लोगों को आप लोग भी तो फॉलो करते हैं, जैसे हम लोग भी तो किसको फॉलो करते हैं, तो आप कैसे किसको फॉलो करते हैं? मैं, मेरा कोई ऐसा, मैं किसी को फॉलो नहीं करता ज़्यादा. मैंने मेरे फादर को देखा है और ही इज़ ऑलवेज बीन एन इंस्पिरेशन. ओके. अपनी उम्र में आज भी वो बहुत एक्टिव है अपने काम को लेकर. एक पोस्ट में मैंने देखा था कि आपके डैड भी पोस्ट में उसको पेंट कर रहे हैं, तो आज भी करते हैं. अच्छा. अभी भी पेंट करते हैं. ओके. उसी पैशन से करते हैं. ओके. सो ही इज़ वन पर्सन आई, ही ऑलवेज इंस्पायर्स मी फॉर इट. प्लस बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, आप देखते आए हो, बहुत सारे आर्टिस्ट को आप फॉलो करते हो, क्योंकि इनको देखने का मतलब है कि आपका होराइजन जो है दिमाग का वो और खुलता है. You become more creative seeing what these people create content, the art content about. So, ऐसे बहुत सारे motivations हैं. पर हाँ, आज घर में इतना अच्छा है तो सब यहीं से सीखा, यहीं देखा. क्योंकि देखा जाए तो अलग अलग कलाओं में आपके बहुत सारी पेंटिंग्स हैं. मैंने आपकी कुछ पेंटिंग सचिन तेंदुलकर जी की देखी, विराट कोहली की देखी, नरेंद्र मोदी साहब की देखी. सो यानी ऑसम, वेरी ऑसम, मतलब जितना तारीफ की जाए उतनी कम है. थैंक यू सर. मेरा अगला सवाल है आपके लिए कि जो आप परफेक्ट पेंटिंग, इतना परफेक्शन देते हैं अपनी पेंटिंग्स में, जो उसमें जितनी बारीकियां हैं देखने को मिलती हैं कि बहुत सारे आर्टवर्क, वो परफेक्शन कैसे आता है, वो उभरता कैसे है? मिनिएचर पेंटिंग जो टेक्निक है, इसमें जो बहुत महीन काम होता है जिसे परताश का काम कहते हैं. ओके. तो हम लोग एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेके उससे डिटेल करते हैं. ओके. चाहे वो पोर्ट्रेट हो, चाहे छोटी सी पेंटिंग हो, चाहे एक 10x20 फीट का या 50x100 फीट की पेंटिंग हो, उसके अंदर वही प्रिसीजन. यानी मैग्नीफायर से आप लोग यानी बहुत माइक्रो वर्क करना पड़ता होगा, तब जाके डिटेल जो आप मेरे काम में देखते हैं वो डिटेल तब जनरेट होती है. ओके. और नॉर्मल में एक पेंटिंग बनने में शायद कोई 10 दिन में तैयार कर देता है, हम एक पेंटिंग बनने में शायद कभी महीने, कभी दो, कभी 3 महीने भी लग जाते हैं. जितना भी ऑर्डर का काम होता है या पर्सनल आप खुद के लिए कुछ क्रिएट कर रहे होते हो, तो बहुत बहुत ज़्यादा सब्र वाला काम है. लॉट ऑफ पेशेंस इट्स दिस नीड्स. यानी पेशेंस के साथ ध्यान भी चाहिए होता है, एकदम ध्यानस्थ अवस्था वाला काम. एग्जैक्टली, मोर लाइक मेडिटेशन. राइट राइट राइट. सो यानी आपकी, आपने जो पहली पेंटिंग बनाई थी वो कब बनाई थी और कौन सी थी आपकी पहली पेंटिंग? पहली पेंटिंग में 2007 साल का था. अच्छा. तब मेरे को पेंसिल स्केच का बहुत शौक था. ओके. तो उसमें पोर्ट्रेट मैंने मेरी मदर का बनाया था. तो और पेंसिल में हमेशा मतलब मेरा हाथ अच्छा रहा है पेंसिल स्केच में. फिर वही पैशन थोड़ा थोड़ा स्केचिंग में, स्कूल में टीचर्स बोलती थी कभी पोर्ट्रेट बनाने के लिए पेंसिल से, फ्री टाइम में या जो हमारा लेजर जो पीरियड होता है. ओके. तो वहाँ यूज टू डू लॉट ऑफ पेंटिंग्स. और 2008 के बाद में ये प्रोफेशनली मैं काम करने लगा, लोग जुड़ते गए. प्रियंका चोपड़ा से मेरे आर्ट में मिलान हुआ. फिर काम को लेके हम लोगों ने बात करी आगे, उनके लिए कुछ आर्ट्स क्रिएट किए. तो बस द कनेक्शंस हैपेंड एंड द जर्नी जस्ट बिगेन. एक पेंटिंग मैंने आपकी देखी थी, वो सिद्धिविनायक की पेंटिंग है. और यानी हालांकि बहुत अच्छी पेंटिंग लगी. उस पेंटिंग के बारे में बताएं, वो किस तरह से है, उसमें क्या कलाएं हैं, आपने क्या किया? वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग एक आर्ट फॉर्म था. तो पेंटिंग से मैं डाइवर्सिफाई हुआ था म्यूरल्स में. ओके. म्यूरल बेसिकली और जितना भी उभरा हुआ काम होता है, तो यू कांट से रिलीफ वर्क, बट देयर इज लॉट ऑफ डिटेल. तो द पेंटिंग वाज ऑलमोस्ट 3 इंचेस थिक. एंड करने का कारण ये था कि मैं बहुत साल बॉम्बे रहा, बॉम्बे से रिकग्निशन मिला. सिद्धिविनायक की बहुत मान्यता है. तो मैंने 2014 में एक शो किया था जिसका रानी मुखर्जी ने उद्घाटन किया था शो का. उस टाइम पे ये जब इस पेंटिंग का जब आइडिया आया और जब हमने पेंटिंग का बनाया, कैसे कि लोग, मेरे को लगा था कि इसका साक्षात दर्शन होने चाहिए भगवान के, साक्षात जो भी है. तो उस तरीके से आइडिया वही था और एक्चुअल में वही चीज निकल के आई. और वैसे भी अब सजीव का साल भर लगा उस पेंटिंग को बनाने में, साल भर लगा. यानी हमने तो आपके पोस्ट देखे सोशल मीडिया में जो खूब सारे वायरल हो रहे हैं, लेकिन रियलिटी वाकई में देखा जाए तो अगर पिक्चर्स में ही ऐसी सजीवता है तो रियलिटी कैसी है? एक्चुअल में ऐसी ही थी. तो जिनने जिनने ली है, आज घर का मेन स्पॉट घर में वो है. okay. तो वो कनेक्ट करते हैं उस डीटी से. और इस काम को जो
मेरा फर्स्ट अवार्ड, बड़ा अवार्ड भी इसी काम को लेके, इसी पेंटिंग को लेके मिला. ओके, तो इट्स द फर्स्ट 4D सिद्धिविनायक पेंटिंग एवर डन इन द वर्ल्ड. एंड द फर्स्ट 4D एज इन लाइक यू सी ऑल एलिवेशंस इन द आर्ट वर्क विद 24 कैरेट गोल्ड सिल्वर एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स पुट इन द आर्ट वर्क. अब देखा जाए तो ऐसे कामों में बहुत सारे हार्ड वर्क, कभी ये अब ऐसा नहीं फील हुआ कि यार यानी इतना मेहनत, क्योंकि आज देखा जाए तो बहुत समय आपने लगाया इस दौरान में. तो आपकी ये सक्सेशन की जर्नी जो रही, तो इस सक्सेशन के जर्नी में कभी ऐसे नहीं हुए कि आप अपने को डिमोटिवेट फील करें कि यार अब नहीं, अब करते हैं, अब कुछ करते हैं, वो जर्नी कैसी रही, हम उसके बारे में जानना चाहेंगे. वो डेफिनेटली होता है, वो तो एक अब जो क्रिएटिव प्रोफेशन में कहीं ना कहीं एक वो स्टैग्नेंसी आती है जब आपको लगता है कि नहीं कुछ और नया क्रिएट करना है और कंटेंट क्रिएट करें तो ऐसा क्या करें जो लोगों को कनेक्ट करे, जो मेरे खुद को खुशी दे उस काम को करने में. तो वो चैलेंज तो हमेशा रहेगा आई बिलीव, तो उसका कोई देयर इज नो सॉल्यूशन टू इट. बट यस, अपन लोग इस दौर में हैं कि सोशल मीडिया या फिर इतना सारा कंटेंट हम आर्ट का इतनी जगह देखते हैं या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म, चाहे वो एक्टिंग हो चाहे वो गाना हो, तो हर प्रोफेशन के अंदर एक स्टैग्नेंसी आज इसलिए नहीं आती बिकॉज बहुत क्रिएटिविटी है इस देश के अंदर. इंडिया, वी आर ब्लेस्ड टू हैव बॉर्न इन अ कंट्री लाइक दिस. तो आज आर्ट के अंदर इतनी चीज़ें देखने को मिलती है. और मेरा चैलेंज हमेशा ये रहा है कि मिनिएचर पेंटिंग, जैसे मैंने कहा, लुप्त हो गई थी. हाँ जी. तो इसको वापस आज के चलन में, आज के घरों में उस पोर्ट्रेल करना, उसको उस मॉडर्न आर्ट फील्ड के अंदर, वो बहुत बड़ा चैलेंज था. अब एक जर्नी ऐसी हो गई है कि आप इतना मॉडर्निस्टिक कंटेंट क्रिएट करते हो लोगों के लिए कि आज भी ट्रेडिशनल जो है विच इज़ नॉट मिसिंग वो वहीं रहेगा. साथ में इसके अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें जोड़ दी. यूरोपियन आर्ट फॉर्म्स को बहुत अडॉप्ट कर रही है अपनी कंट्री इंडिया, अमेरिकन आर्ट फॉर्म्स को, तो आई पुट इट इनटू वन प्लेस टुगेदर. और मेरे आर्ट के अंदर इट्स अ सेंस ऑफ ट्रेडिशनल विद अ हिंट ऑफ सम मॉडर्निस्टिक टचेस टू इट. तो दैट डेफिनेटली हैज गॉट माई जर्नी गोइंग लाइक दैट एज एन आर्टिस्ट. वेरी अप्रिशिएटेबल. Oh, that's very good because you are doing very well, as I am seeing. मैं जितनी तारीफ करूँ उतने कम है. I'm glad. Thank you. So, आप अपने आर्ट्स के बारे में क्या कहना, देखा जाए तो बहुत सारे यानी कलाकार भारतवर्ष में हैं और कहीं ना कहीं वो बहुत स्ट्रगल भी कर रहे हैं, मैं पर्सनली फील भी कर रहा हूँ. सो इस क्षेत्र के लिए हम उन कलाकार्स को, उन यंगस्टर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और वो एक सही प्लेटफॉर्म कैसे पाए? आप जो चीज़ बोल रहे हैं ये मैं इस चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो करता हूँ, देखता हूँ. अपनी जो एक गवर्नमेंट का सपोर्ट, जो रुझान अपनी खुद की इंडियन आर्ट को लेके होना चाहिए, वो बहुत मिसिंग है. और जब मैं प्रधानमंत्री से मिला था, इस बात को हम लोगों ने डिस्कस किया थोरली, मुझे बोलने का मौका मिला, उनने मेरी बात सुनी. और मैं भी इस डायरेक्शन में उतनी ही मेहनत कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्किल क्रिएट कर सकूँ, जितना मैं मेरे लेवल पर बच्चों को या यू नो ऑल दीज पीपल हु वांट टू लर्न आर्ट, और जो अब प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकूँ. आई एम डूइंग एवरीथिंग टू पॉसिबली डू दैट. बट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इनिशिएटिव सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडियन आर्ट, फोक आर्ट इज़ द ओल्डेस्ट आर्ट फॉर्म इन द वर्ल्ड. इसकी सभ्यता 5,000 साल पुरानी है. इसकी वजह से पूरी दुनिया में आर्ट आया है. आप जो अमेरिकन यूरोपियन आर्टिस्ट देखते हैं, वो सब यहाँ से शुरू हुआ था. तो अगर हम यही भूल के और कंप्लीट डायरेक्शन आपका अगर आप एक कंटेम्प्रेरी आर्ट फॉर्म पर लेके जाओगे, तो इट इज़ अ टोटल वेस्ट ऑफ ऑल दीज ईयर्स. और इससे डिटेल कोई काम नहीं है. जो आनंद इस काम को देखने में आता है, या जो मेरे शो में लोग आते हैं, या जिनके लिए मैं काम करता हूँ, आर्ट बनाता हूँ, तो दे आर स्पीचलेस व्हेन दे सी द वर्क्स. राइट. तो इतनी इट्स मैजिकल. तो यू सी ऑल एक्सप्रेशंस, यू सी पीपल स्माइलिंग, यू सी पीपल क्राइंग व्हेन दे सी द वर्क. सो दैट इज व्हाट अ रियल आर्ट इज. यस, क्योंकि हर पेंटिंग्स में देखा जाए तो एक अपनी सजीवता है, एक रियलिस्टिक है, रियल इमेज लगती है. कभी नहीं लगता कि हाथ से बनाई हुई पेंटिंग्स हैं, क्योंकि हाथ से बनाई हुई पेंटिंग्स कभी लगता है कि यार कोई ये फोटोग्राफ है, उससे क्रिएट हुआ है जी. और जहाँ पर रियलिटी देखूँ तो पर्सनली मैंने संजय बाबा की देखी थी, आपने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई, और विराट कोहली की कई सारी पेंटिंग्स हैं, और यानी एक्सेट्रा बहुत सारी आपकी सोशल मीडिया पे आपकी प्रोफाइल को अगर देखा जाए तो दिन प्रतिदिन हम लोग भी पर्सनली फॉलो करते हैं. सो यानी एक से एक आपके टैलेंट वहां को देखने को मिलते हैं. फिलहाल मैं जानना चाहूंगा कि आज सोशल मीडिया क्या इस दौर में आर्ट्स के लिए क्या कर पा रही है, यानी आप अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को कैसे यूज कर पा रहे हैं अपने आर्ट्स तक लोगों को पहुंचाने के लिए? सोशल मीडिया 80% रोल प्ले कर रहा है आपके प्रोफेशन के अंदर, अगर आप मुझसे पूछे तो. हाँ जी. मेहनत सब कर रहे हैं, लेकिन साथ में सोशल मीडिया के थ्रू जो अवेयरनेस क्रिएट हो रही है. हाँ जी. पैन इंडिया, पैन वर्ल्ड, ऐसा नहीं कि आप इंडिया में बैठ के सिर्फ इंडिया के लोगों को दिखा पा रहे हो, आप पूरी दुनिया को दिखा पा रहे हो कि आर्ट, कोई सा भी आर्ट फॉर्म, जैसे मैंने कहा, चाहे आर्टिस्ट हो, सिंगर हो, चाहे डांसर हो, तो एवरीवन इज गेटिंग अ ह्यूज प्लेटफॉर्म थ्रू द सोशल मीडिया. इट्स जस्ट दैट दिस लैक ऑफ अवेयरनेस, और सब लोग अलग अलग तरीके से करते हैं. अगर आप सही से सोशल मीडिया यूज करोगे, तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कहीं नहीं हो सकता. राइट.
ये मेरी सोच है इस चीज को लेके। बहुत बढ़िया, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे ध्यान बहुत दिया है मेरे। यस, मैंने देखा आपके पूरे एन नंबर ऑफ थिंग्स आपके सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, और एक सोशल मीडिया पे आपकी यानी आपका एक वेरीफाइड पेज है जहाँ पे बहुत सारी आपके अपडेट्स, रेगुलर अपडेट्स होती रहती है। सर, इन आर्ट्स के अलावा आपकी और क्या क्या हॉबीज हैं? मेरी हॉबीज बहुत सारी हैं। मैं एक ट्रूली एक आर्टिस्ट हूँ, और मेरे दोस्त या मेरे क्लाइंट्स आज इसी चीज़ को बोलते हैं कि सुबह की तुम क्या क्या करते हो। तो मैं उनको ये जवाब देता हूँ कि सर, मेरा प्रोफेशन आर्ट है, मेरा जो सीरियसनेस है, जो बिजनेस है, या जिसने मेरे को आज इतना नाम दिया है या इतना तजुर्बा दिया है, ये सब आर्ट की वजह से। पर साथ साथ में मेरा मानना ये है कि ट्रूली आर्टिस्ट वो होता है जो 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 आप जिस काम में अच्छे हो जी। हर इंसान में कोई ना कोई टैलेंट छुपा हुआ है, राइट? तो आई लिव ऑल माय पैशंस टुगेदर। आई लव सिंगिंग, आई लव डांसिंग। ओह, आप यानी सिंगर भी हैं, आप डांसर भी हो। हां, सो डेफिनेटली एट सम पॉइंट इन लाइफ व्हेन आई गेट माय टाइम, यानी मैं चाहूंगा कि आपके इस कला को भी हम लोग देख लें, क्योंकि यानी एक छोटा सा पैरा अगर आप सुनाए हमारे व्यूअर्स को तो बहुत। श्योर। सो गुलाबी आंखें सुनाए आप लोगों ने? सुपर। हां जी, गुलाबी आंखें, एक छोटा सा एक पैरा गाते हैं। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया। मैंने सदा चाहा यही, दामन बचा लूं हसीनों से मैं। तेरी कसम ख्वाबों में भी बचता फिरा नाज़नीनों से मैं। तौबा मगर मिल गई तुझसे नजर, मिल गया दर्द जिगर। सुन जरा ओ बेखबर, जरा सा हंस के वाह क्या बात, जो देखा तूने मैं तेरा कातिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो इस कला को भी मैं लाइव देख रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू। यानी देखा जाए तो मल्टी टैलेंटेड, सुपर, शानदार। सो फाइनली मैं इस शो को समाप्त करते हुए मैं चाहूंगा कि आप अपनी कला के थ्रू और जिस कला में आपने स्ट्रगल किया, जो लर्निंग आपने करी, जो फेज आपने देखे, और मैं चाहूंगा भारत का वो हर युवा जो इस फेज से गुजर रहा हो, इन सारी परिस्थितियों से गुजर रहा हो, वो सक्सेशन चाहता है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन बच्चों को मोटिवेट रहने के लिए और इनमें बने रहने के लिए? मेरा यही कहना है कि जो अपना जिस आर्ट स्पेशली पेंटिंग प्रोफेशन में जिसको मैं समझता हूँ, जानता हूँ, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक अवेयरनेस की ज़रूरत है। लोगों को डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है कि इस आर्ट को बढ़ावा कैसे दिया जाए। लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन डिस्प्ले करने के लिए प्लेटफॉर्म्स नहीं है। तो प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करना, कहीं ना कहीं मैं मेरे लेवल पर कर रहा हूँ एज एन आर्टिस्ट, आपके लेवल पर इतने अच्छे शोज कर रहे हैं जिससे लोगों को एक अवेयरनेस मिले, कॉन्फिडेंस मिले। तो यही है कि जस्ट फोकस ऑन द आर्ट डायरेक्शन व्हाट यू डूइंग, एंड जस्ट कीप ट्राइंग योर बेस्ट टू शो योर वर्क्स एवरीवेयर। इतने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं आर्ट के जहाँ पे अपना काम दिखा सकते हो, पोर्ट्रे कर सकते हो। तो दैट फोकस, दैट सीरियसनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी भी चीज़ को तहे दिल से चाहोगे। एक डायलॉग था शाहरुख खान का कि आप किसी भी चीज़ को शिद्दत से चाहोगे तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाएगी। right. तो ये एकदम फैक्ट है। बहुत बढ़िया। तो आई जस्ट बिलीव दैट दिस इज द वे आई थिंक। So I'm glad that I'm here. Thank you so much. So दोस्तों, आज हमारे साथ थे सुविज्ञ शर्मा जी, और बहुत जल्दी हम सेम समय में सेम डे के अंदर एक नए लेजेंड्स के साथ मिलने वाले हैं। तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, फर्स्ट क्लास रहिए, और बने रहिए सोशल युग के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स।